वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया को संपन्न करने वाले मतदान कर्मियों को स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रथम प्रशिक्षण देने का कार्य बुधवार से शुरू किया गया है। इसके तहत ही मतदान कर्मियों को ईवीएम के परिचालन सहित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रत्येक मतदान कर्मियों को विजुअली तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं जिले की नोडल अधिकारी ने बताया कि 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और द्वितीय प्रशिक्षण 12 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें प्रत्येक दिन लगभग 400 मतदान कर्मियों के एक सेशन में और 400 मतदान कर्मियों को दूसरे सेशन में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। हाँ, आज हमारा जो मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण है आज से शुरू है। 2 तारीख से 5 तारीख तक का प्रथम चरण का प्रशिक्षण है, उसके बाद 12 तारीख से 15 तारीख तक का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण रहेगा। तो हमने पर डे 400-800 लगभग कर्मी प्रशिक्षित होकर निकलेंगे और 3 दिन लगातार मतदान कर्मियों का है। फिर उसके बाद 5 तारीख को अब माइक्रो ऑब्जर्वर है, उनका प्रशिक्षण है। इसमें लगभग 65 मास्टर ट्रेनर लगे हुए हैं और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हमने पूर्व में ही कर लिया है और काफ़ी बेहतर तरीके से उनका प्रशिक्षित किया है, ताकि वो मतदान कर्मियों को अच्छे से प्रशिक्षित कर सकें। तो उनके 2-3 बार अपने लेवल पे ही उनका प्रशिक्षण हुआ है। और कोई डाउट वगैरह है तो फिर हमारे जो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं, वो उनको शॉर्ट आउट करते हैं।